सेल्फ इस्टीम लेवल सेल्फ इस्टीम लेवल किसको कहते हैं किसी भी शख्स में सेल्फ इस्टीम जो है उसकी वेरियस डिग्रीज होती हैं बाज़ लोगों का सेल्फ इस्टीम बहुत हाई होता है और बाज़ लोगों का सेल्फ इस्टीम बहुत लो होता है सेल्फ इस्टीम जो है वो एक बैलेंस्ड लेवल पर आना चाहिए सेल्फ इस्टीम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स का सेल्फ इस्टीम जो है वो एक रिक्वायर्ड लेवल पर हो सेल्फ इस्टीम जो है वो ऐसे लेवल पर हो जहाँ पर स्टूडेंट्स पूरे तमाद तरीके के साथ अपनी क्लासरूम में जिंदगी गुजार सकें और इसके साथ साथ आउट ऑफ स्कूल जिंदगी में भी वो पूरे तमादी का मुजाहरा कर सकें इसलिए सेल्फ़ इस्टीम का एक रिक्वायर्ड लेवल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है इसमें टीचर्स और पेरेंट्स एक बार फिर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स का मोरल बूस्टिंग करते रहते हैं टीचर्स जो हैं उनको चाहिए कि वो नेगेटिव जो बिहेवियर्स हैं स्टूडेंट्स के उनको केयरफुली डील करें और बहुत ज्यादा जो है वो तंबी ना करें क्योंकि बहुत ज्यादा और सख्ती के साथ जब आप किसी भी तालब इल के साथ डील करते हैं तो वहाँ पर एलिमेंट ऑफ नेगेटिविटी आ जाता है और जब एलिमेंट ऑफ नेगेटिविटी आ जाता है तो वहां पर जो सेल्फ स्टीम है वो बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है उसके नीचे जाने से स्टूडेंट्स बाजात जो है वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस मकाम तक ना पहुंचे जहां पर स्टूडेंट्स नॉट ओनली लूज देयर कॉन्फिडेंस दे डू नॉट देन अटेम्प्टू री गन इट सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इसके साथ साथ एक चीज का और जो है उसको सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स का जो सेल्फ एस्टीम लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई ना हो क्योंकि जहाँ पर बहुत ज्यादा हाई होगा वहां ओवर कॉन्फिडेंस आएगा और जहाँ बहुत ज्यादा लो होगा वहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाएंगे एंड दे वुड फील शाई तो ये चीज़ जो है एक्सट्रीम हाई एंड लो एंड्स जो हैं ये दोनों ही खतरनाक हैं हम जब शख्सियत की तराश खराश की बात करते हैं तो वहाँ पर एक बैलेंस्ड अप्रोच बहुत ज़रूरी है इसके लिए टीचर्स और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि हम बैलेंस्ड अप्रोच किसको कह रहे हैं हम जब ये कह रहे हैं कि हाई एंड लो एंड्स दोनों ही खतरनाक हैं तो फिर हमारी डेफिनेशन ऑफ बैलेंस क्या है इसकी डिटर्मिनेशन जो है वो म्यूचुअल कंसेंसेस से होती है सबसे पहले तो इसमें जो आपका माशरती माहौल है आपके कल्चरल नॉर्म्स हैं वो आ जाते हैं और इसके साथ साथ पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस स्कूल्स की एक्सपेक्टेशंस ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मिलकर जो है वो इस स्पेक्ट्रम को डिटर्मिन करती हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो रियलिस्टिकली जो हैं वो चलें एंड दे डेवलप अ रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दम दैट इज समिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें जो है एक और बात जो बहुत अहम है वो ये है कि जब आप में बहुत लो सेल्फ स्टीम होती है तो देर इज अ सीरीज ऑफ डिप्रेशन दैट यू गो थ्रू नॉट ओनली दैट यू फील डिफीटेड ये अगेन नेगेटिव बात है और स्टूडेंट्स जो हैं देन दे लूज इंटरेस्ट इन स्टडीज

इसके साथ साथ जो सेल्फ एस्टीम है उसमें जब हम लो सेल्फ इस्टीम की बात करते हैं तो वहां पर ये जो है देखना जरूरी है कि जो लो सेल्फ इस्टीम है वॉट डज इट लीड टू देन यू मे स्टार्ट मेकिंग बैड डिसीजन्स इसके साथ साथ यू मे फॉल इन टू डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप और इसके साथ साथ देन यू स्टॉप स्टॉप लिविंग अप टू योर फुल पोटेंशियल ये सब चीजें जो हैं अगेन नेगेटिव बिहेवियर्स हैं और इनसे गुरेज करना बेहद जरूरी है जब आप हाई सेल्फ इस्टीम की बात करते हैं जब आप ये कहते हैं कि सेल्फ इस्टीम जो है उस किसी भी शख्स या स्टूडेंट की बहुत ज्यादा हाई है वट डज दैट लीड टू दैट लीड्स टू द डिवेलपमेंट ऑफ नार्सिसिजम एंड ईगोसेंट्रसिज्म स्टूडेंट्स बिकम सेल्फिश स्टूडेंट्स ओनली थिंक अबाउट देयर ओन लाइफ्स Again, that is something which is negative. We need to defeat these behaviors. And this can only happen once we fight for a balanced approach, we determine the required and accepted behaviors, and we work with students towards the development of those particular behaviors.